पुलिस प्रशासन लगी हुई है, देख सकते हो इधर जगह जगह पे, यहाँ पर भी टेंट लग रहा है, दुकान वगैरह सब लगाएंगे जैसा लग रहा है। तो देखते हैं कैसा कुछ है, तो बारिश ना हो जाए कहीं, उसी का टेंशन है, बाकी सब तो ठीक ही ठाक है। ये देख सकते हो पुलिस गाड़ी बीच में लगा हुआ है। तो सांस सरकार आने वाले हैं हरवेल बडराजपुर में। जी हाँ गाइस, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय आने वाले हैं हरवेल बडराजपुर में। तो आप लोग भी सांस से आएगा, और साय साय लाइट क्यों गोल हो रही है ये सबको बताना है मुख्यमंत्री जी को, कि आखिर साय सरकार आते ही साय साय लाइट और वोल्टेज कैसे साय साय कम हो रहा है और गोल हो रहा है लाइट, ये सबको आपको बताना है। जल्दी से जल्दी आप लोग हरवेल बडराजपुर में आइएगा। कुंड चलते हैं सीधा हरवेल और आप लोगों को दिखाते हैं कि हरवेल में कैसा कुछ अभी का सीन है और कैसा कुछ वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह होती है। क्योंकि इस पिछले साल आप लोगों को पता ही होगा, पिछले साल 2023 में जब मैं बांसकोट गया था तब सिक्योरिटी रीजन की वजह से मेरा वीडियो डिलीट कर दिया गया था, क्यों पता नहीं। लेकिन अभी जाते हैं और देखते हैं कैसा कुछ सीन जाता है हरवेल बडराजपुर में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सीधा साय से हरवेल में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इंट्रो में बताया था, और वैसे अभी देख सकते हो मौसम ही ख़राब है। तो जैसे साय सरकार आए वैसे ही साय से बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी वजह से बारिश आ रही है और उनकी वजह से लाइट भी गोल हो रहा है बार बार साय साय, है ना। तो कहीं ना कहीं तो गाइस फाइनली हम लोग डी पारा हरवेल पहुँच गए हैं। देख सकते हो सामने बोर्ड लिखा हुआ है डी पारा करके, लेकिन ये हरवेल का एक पारा है, ठीक है। तो गाइस यहीं पर आने वाले हैं शायद, आई थिंक लग रहा है, क्योंकि इधर देखो कैसा कुछ तैयारी वगैरह चल रहा है। तो आई थिंक गाइस यहीं पर आने वाला है, ये देख सकते हो बहुत सारा गाड़ियाँ वगैरह सब आए हुए हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी आई हुई है देख सकते हो इधर। तो भाई यहाँ आने वाले हैं, मुझे पता ही नहीं है, तो अभी शायद जाने देंगे जैसा लग रहा है मेरे को देख के ही। मैं सोचा था स्कूल मैदान में आएंगे ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखो पूरा ऐसे बना दिए हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं, शायद यहीं उतरेंगे या स्कूल ग्राउंड से जाके देखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कहाँ आएंगे। और ये शायद हेलीपैड है ना, यहाँ से गाड़ी में जाएंगे लग रहा है। जी हाँ गाइस ये हेलीपैड है, तो यहीं पर हेलीपैड बना हुआ है, लोग यहाँ पर हैं, तो क्योंकि दिखा नहीं पाएंगे जाके, बाद में दिखाएंगे जब सीएम आएंगे तब। तो बता दूँ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो को डिलीट कर देते हैं पुलिस वाले देखेंगे तो सीधा कार्यक्रम स्थल पर चलते हैं। तो गाइस जगह जगह पे बस्तर पाइटर के जवानों को तैनात किए हुए हैं, और सामने जा रही पुलिस गाड़ी साइड, यहाँ पर बीजेपी वाले झंडा भी लगा दिए हैं। डर भी लग रहा है, तो गाइस देख सकते हो बीच बीच में पुलिस वाले हैं, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वीडियो ना डिलीट कर दें। बाकी चीज़ का तो डर नहीं है गाइस, बाकी सब आप लोगों का सपोर्ट है मुझे पता है, बस पुलिस वालों की। देख सकते हो पुलिस वाले इस साइड हैं और यहाँ पर भी मतलब, तो गाइस आप लोगों को बता दूँ आधे से ज़्यादा काम अभी हो रहा होगा आने का ना, इससे पहले भी हुआ होगा उसका आइडिया नहीं है। अगर रोड कहीं बना हुआ नहीं है तो जिस साइड से सीएम जाएंगे उधर का रोड को टकाटक बनाएंगे ना मस्त, तो यहाँ से हमको लेफ्ट साइड जाना है। देख सकते हो इस साइड भी लगाए हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन जगह जगह पे है। ये सीधा विश्रामपुरी रोड है, तो विश्रामपुरी साइड सीधा वाला रोड जाता है, और पीछे साइड देख सकते हो बड़बत्तर वाला है, तो ये पुलिस प्रशासन लगी हुई है। देख सकते हो इधर जगह जगह पे, यहाँ पर भी टेंट लग रहा है, दुकान वगैरह सब लगाएंगे जैसा लग रहा है। तो देखते हैं कैसा कुछ है, तो बारिश ना हो जाए कहीं, उसी का टेंशन है, बाकी सब तो ठीक ही ठाक है। ये देख सकते हो पुलिस गाड़ी बीच में लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ अभी तैयारी वगैरह चल रहा है देख सकते हो इधर, तो काम चल ही रहा है। तो डीजे सारंगा भी आ चुका है, क्योंकि भाई डीजे सारंगा जहाँ पर भी बीजेपी वाला कार्यक्रम होता है ना, तो ये रहते ही है डीजे सारंगा। दुकान वगैरह सब भी सेट कर रहे हैं, आज लग रहे हैं मार्केट टाइप का लगेगा, देख सकते हो इस साइड तो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है काम। तो अभी तो टाइम है 2-3 घंटा लगभग, ये देखो इधर पूरा कार्यक्रम स्थल। तो ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि पुलिस वाले हैं भाव भैया, डर उन्हीं से लगता है हमें, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो बाद में आप लोगों को दिखाते हैं पूरा डिटेल कैसा कुछ सीन जाता है।
तो सभी तरफ झंडा ही झंडा लगा दिए हैं बीजेपी वालों का, क्या ही कह सकते हैं। पूरा पुलिस वाले इतने हैं ना भाई, वीडियो बनाओ तो साले घूर के देखते हैं। कोई नहीं गाइस, जब सीएम आएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे कैसा कुछ सीन जाता है, सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि तैयारियाँ चल रही है। तैयारी से पहले वाला वीडियो डाल देना, भवकाल से उठ जाता है पुलिस वालों के सिक्योरिटी पे, इसलिए सिक्योरिटी की हम कदर करते हैं तो इसलिए नहीं बनाएंगे।